जी कांस्टेबल श्रीधर ने कहा है? साहब वो तो ड्यूटी पे है। क्या हुआ साहब, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। मर्डर किया है उसने। क्या मर्डर? नहीं नहीं साहब, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। वो तो खुद ट्रैफिक पुलिस में है, किसी की जान कैसे ले सकते हैं? अगर वो घर पर आता है या फोन करता है तो उसे बिल्कुल मत बताना कि हम लोग यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आए थे, समझी? क्या लफड़ा चल रहा है? अरे सर लफड़ा कोई नहीं है, बाइको है मेरी, हस्बैंड एंड वाइफ है हम लोग। अरे सर वो छोड़ो ना, 500 रुपए रख लो, आधे घंटे में निकल जाएंगे हम लोग। इधर देखने नहीं मांगता मेरे को। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्या बोल रहा था वो? क्या बोलेगा, पैसे चाहता था। वैसे 500 रुपए में बहुत महंगा नहीं है वो? अरे अब वो नहीं आएगा। हाईवे से उतार कर इस सुनसान रास्ते पर क्यों ले ली? देखो ना, एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, कितना अंधेरा है। जयंती भूख लगी है, आगे एक ढाबा है, वहां मस्त जैन फूड मिलता है, टेस्ट से खाना खाएंगे। क्यों बेटा? क्या हुआ? अरे ये हेडलाइट कैसे ऑफ हो गया? लगता है हेडलाइट का फ्यूज उड़ गया है, चेंज करना पड़ेगा। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत कर, पापा है ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ साहब आप आ गए। देखिए ना, अंधेरे रास्ते में हेडलाइट फ्यूज हो गया, थोड़ी मदद करेंगे साहब प्लीज। मम्मी। हाँ बेटा। मुझे डर लग रहा है। तुम अंदर ही रहना, निकलना नहीं। परेश कहाँ गए? परेश, परेश कहाँ देखू मैं? परेश, परेश! अंधेरा, जिसके अपने राज अपनी कहानियां होती हैं, और हर कोई इस अंधेरे का फायदा अपने तरीके से उठाता है। हाईवे बनने के कारण इस पुराने रास्ते पर बहुत कम गाड़ियां आती थी। कहते हैं कि अगर किसी जंगली जानवर के मुंह कभी इंसान का खून लग जाए तो वो आदमखोर बन जाता है, और फिर वो हर पल किसी इंसान की तलाश में रहता है कि वो कब उसे अपना शिकार बना ले। ऐसे ही एक आदमखोर इंसान के रूप में एक जानवर इस पुराने रास्ते पर अपने वहशी इरादों को अंजाम दे रहा था, और सबसे भयानक बात तो ये थी कि वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि जनता की रक्षा की कसम खाने वाला एक पुलिस वाला था, और वो उसी ट्रैफिक पुलिस की वर्दी का फायदा उठाकर इस अंधेरे को और अंधेरा कर रहा था, जो अंधेरा उन लोगों की जिंदगी में फैल रहा था जिन्हें वो एक के बाद एक अपना शिकार बना रहा था, और अब तक सिर्फ वही जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। सब कुछ ठीक है ना हाईवे पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर ऐसी कोई खास बात नहीं है, एक गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, सब इंस्पेक्टर जादव ने सबको संभाल लिया है, गाड़ी को टोचन करके बाजू में ले लिया। हाईवे पर कितनी जीप है पेट्रोलिंग के लिए? आज रात एक जीप पेट्रोलिंग कर रही है सर। और ओल्ड हाईवे पे वहां किसकी ड्यूटी है? सर वहां पर कांस्टेबल नाइक बाइक पर पेट्रोलिंग कर रहा है। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर सब ठीक ही चल रहा है। कल बेटे का बर्थडे है, आज रात 12 बजे उसे विश करने जाना है। सर आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू। और हाँ सर, आपके बेटे को हमारी तरफ से भी बर्थडे विश जरूर करना। थैंक यू सावन। पिछले 2 साल से उसके बर्थडे पर नहीं जा पा रहा हूँ मैं, इस साल तो सोचता हूँ कम से कम उसके साथ रहूँ। सर एक ट्रक वाला पुराने हाईवे से एक बच्चे को उठा के लाए। सर बच्चा बहुत डरा हुआ है।
क्या हुआ पुराने रास्ते पर? कौन है बच्चा? साहब मैं उधर से गुजर रहा था। शायद इसके माँ बाप है, बहुत बहुत बेरहमी से मारा साहब। सावन तू इसको लेके स्पॉट पे जाओ, मैं बच्चे से बात करके तुमको ज्वाइन करता हूँ। ओके सर, चलो। अरे ये हेडलाइट कैसे ऑफ हो गया? अच्छा हेडलाइट ऑफ हुए इसलिए गाड़ी यहाँ रुकी है। और एक बात सर, सर ये देखिए, ट्रक ड्राइवर ने बताया था कि बच्चा पिछली सीट के नीचे छुपा था, तो कातिल शायद यही देखने के लिए यहाँ तक आया होगा कि कार के अंदर कोई और भी है या नहीं। सावंत, कांस्टेबल नाइक इस हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहा है ना? यस सर। जा दो। जी सर। पूरे हाईवे पर नाकाबंदी लगवा दो और ख़ास तौर पर इस रास्ते पर वायरलेस निगरानी रखो। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ब्लड सैंपल ले लो, फिंगरप्रिंट्स ले लो और एक्सपर्ट्स को दे दो। बिल्कुल सर। कौन कर सकता है ये खून? खोपोली का है या कोई बाहर का? सावंत, कुछ भी करके हमें उस बच्चे से पता लगाना होगा, क्योंकि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। देखिए बच्चे की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, मैंने उसे कुछ मेडिसिन दी है जिससे वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन इस हालत में आपको उससे पूछताछ नहीं करनी चाहिए वरना उसकी हालत और बिगड़ सकती है। सर, सर पुराने हाईवे पर एक और मर्डर हुआ है और इस बार सिर्फ मर्डर नहीं रेप भी हुआ है। एक रात में दो सड़क हादसे, आज तक इस तरह की वारदात इस सड़क पर कभी नहीं हुई। अब तक लग रहा था कि ये जो भी कोई कर रहा है पैसे के लिए कर रहा है, लेकिन नहीं, उसने रेप भी किया है। सावन क्या लगता है तुम्हें, ये किसी एक ही आदमी का काम है या? सर मुझे नहीं लगता कि किसी एक आदमी का काम है। सर सर 12 बज गए तो आपको आपके बेटे को बर्थडे विश करना है। 2 साल से मिस कर रहा हूँ सावन, ये साल भी सही, अब तो उस बेचारे को आदत हो गई है। रेप इसके मंगेतर का हुआ है? जी सर। तुमने बात की थी उससे? नहीं सर, उस लड़की की हालत बहुत खराब थी, लेडी कांस्टेबल ने फर्स्ट एड देने के बाद मैंने उसे सिटी हॉस्पिटल शिफ्ट किया। इस गाड़ी में मुझे शादी का कार्ड मिला सर, उस कार्ड के हिसाब से इन दोनों की शादी अगले हफ्ते होने वाली थी। क्या नाम है उसका, कहाँ की रहने वाली है? उर्मिला जोशी नाम है सर, नवी मुंबई की है। उस लड़की का रेप करने के बाद उस खूनी ने उसकी चेन और रिंग दोनों छीना। ज़्यादा एक काम करो। जी सर। हाईवे पर अपनी एक जीप पेट्रोलिंग पे है, उसे यहाँ लगवाओ। खोपोली पुलिस स्टेशन से एक्स्ट्रा मैन पावर मंगवाओ, क्योंकि ये जो कोई भी कर रहा है मुझे नहीं लगता कि सुबह तक रुकेगा। बस हो गया, बस 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 बस, रख दो फोन अभी, आपको तकलीफ हो जाएगा। राजेश, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मिस उर्मिला, मी पीआई अमित माने, क्या अभी आपके लिए मुमकिन है कि आप हमारे कुछ सवालों को जवाब दे पाए? क्योंकि देखिए आपने उसे देखा है तो आप हमारी मदद कर सकती हैं। पाटिल मैडम स्टेटमेंट ले गया। मिस उर्मिला बताइए क्या हुआ था वहां पे? सर राजेश मेरे होने वाले पति थे और हम खोपोली के पास जो ओल्ड हाईवे वहां पहुंचे तो मौसम बहुत अच्छा था, तो राजेश ने कहा कि तुम थोड़ी देर यही रुकते हैं, वहाँ पे एक बाइक पे ट्रैफिक हवलदार आया। ए, क्या चल रहा है यहाँ पे, बाहर निकल।
क्या लफड़ा चल रहा है? 500 रुपए रख लो, आधे घंटे में निकल जाएंगे। थैंक यू सर। पैसे लेके वो वहां से चला गया, लेकिन फिर आधे पौने घंटे बाद वापस आया तो उसे बात करने के लिए राजेश नीचे उतरा। अरे सर क्या हुआ, 500 रुपए में एक घंटा तो बनता ही है ना। चलो कोई नहीं, आप एक काम करो, आप ये 500 रुपए और रख लो। सर अभी समझ के लो ना प्लीज। ट्रैफिक कांस्टेबल, आर यू श्योर ट्रैफिक कांस्टेबल ने राजेश को मारा? आपका ही आदमी था, उसने सफेद कलर की यूनिफॉर्म पहनी थी। क्यों आपका आदमी है, ये सब सुन के आपको शौक हुआ? देखिए मिस उर्मिला, गुनहगार सिर्फ गुनहगार होता है, वो ना आपका होता है ना हमारा होता है, वो किसी का नहीं होता। लेकिन अगर ये काम हमारे ही किसी आदमी ने किया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले 24 घंटे में मैं उसे पकड़कर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। पुलिस से घबराइए मत, भरोसा रखिए। अच्छा अभी ये बताइए, राजेश को मारने के बाद उसने क्या किया? आपने फोन किसको लगाया था? मैंने अपनी आई को फोन लगाया था, मैं लगा नहीं, उसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, मैं बहुत डर गई थी। आपने उसके बैच पर उसका नाम देखा था? कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था, बहुत अंधेरा था और मैं उसका नाम भी नहीं देख पा। राजेश को मारने के बाद उसने आपको मारने की भी कोशिश की? क्या अगर उस क्रिमिनल की फोटो में आपको दिखाऊं तो आप उसे पहचान पाएंगी? हाँ बहुत अंधेरा था, लाइट के नाम पर सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट थी और ऊपर से उसने हेलमेट भी पहन रखा था। ठीक है फिलहाल आप आराम कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर आपका मेडिकल कराना जरूरी है। उसके बाद मैं अपने घर जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले अगर आप उसकी फोटो देख उसे पहचान पाई तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कौन कौन है नाइट ड्यूटी पे पता करो, जो छुट्टी पे हैं उनका भी पता करो कि वो इस वक्त कहाँ हैं, इसका भी पता लगाओ कि किसे पैसे की ज्यादा जरूरत है। ये हमारे डिपार्टमेंट का कोई बंदा है या नकली पुलिस जो वर्दी का फायदा उठा रहा है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो नजारा क्या होगा? पुलिस इंस्पेक्टर माने के पैरों तले जमीन सरक गई ये जानकर कि कातिल कोई पुलिस वाला है जो अपनी वर्दी का फायदा उठा रहा है। पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत दांव पर लग गई थी, मीडिया और बड़े अफसरों को अब तक इसकी भनक नहीं लगी थी, वरना पुलिस पर दबाव और बढ़ जाता और इन लोगों तक खबर पहुंचे उससे पहले उस कांस्टेबल का पकड़े जाना बेहद जरूरी था जो पुराने रास्ते पर लोगों को अपना शिकार बना रहा था। पुलिस की साख खतरे में थी क्योंकि सबसे पहला इल्जाम उनके बंदोबस्त में लापरवाही का लगता। खोपोली महाराष्ट्र की सारी पुलिस फोर्स के सामने इस वक्त एक ही चुनौती थी कि जल्द से जल्द इस कांस्टेबल को उसके वैशी इरादों में नाकामयाब किया जाए। जी कांस्टेबल श्रीधर ने कहा है? साहब वो तो ड्यूटी पे हैं। क्या हुआ साहब, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है,
मर्डर किया है उसने। क्या मर्डर? नहीं नहीं साहब, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। वो तो खुद ट्रैफिक पुलिस में है, किसी की जान कैसे ले सकते हैं। अगर वो घर पर आता है या फोन करता है तो उसे बिल्कुल मत बताना कि हम लोग यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आए थे, समझी? सर, कांस्टेबल नाइक की रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है। उसने तकरीबन हर एक आदमी से कुछ ना कुछ तो उधार लिया है। तुमसे कितना पैसा लिया है? सर 12,000। सर, छोटा बड़ा सबका मिला के तकरीबन 91,000 रुपये का कर्जा। मतलब पैसे की जरूरत है उसको, लेकिन ज्यादा उसने रेप भी किया है। जी सर। उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ, उसके बीवी के साथ उसका रिश्ता कैसा है? पता नहीं सर। किसी को मालूम है कुछ? सर, एक बार नशे में बड़बड़ा रहा था कि उसकी बीवी किसी काम की नहीं रही। क्या नशा करता है वो? दारू पी के ड्यूटी पे आता है? नहीं सर, दारू का तो लत नहीं था, लेकिन गांजे की बहुत बुरी आदत है उसकी। हाँ साहिब, उसकी माँ की वजह से उनके सर में एक गांठ है जिसके लिए डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए 3,00,000 रुपए खर्चा होगा। उसके लिए वो कल शाम को मेरे से झगड़ा भी किया। एक काम करते, तुम्हारे पास जो गहने हैं ना, उससे कुछ इंतजाम हो सकता है। एक लोहे की कील तक नहीं दी शादी में, पर अब मेरे गहने बिकवाना चाहते हो? देखना भी मत उनकी तरफ। तो मैं कहां से लाऊं इतने रुपए? एक काम करता हूं, मैं ये घर गिरवी रख देता हूं। अच्छा, फिर बच्चों को क्या मैं सड़क पे सुलाऊंगी? हर बात में तुम ना बोलती हो। अरे घर मेरा ही तो है, मैं चाहे जो कुछ भी करूं, और बच्चे भूखे नहीं मरे जा रहे। पगार मिलती ना मेरी? 12,000 रुपए को तुम पगार कहते हो? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हें अपनी माँ के लिए जो करना है करो, पर मैं अपने बच्चों के सर से ये छत नहीं छीनने दूंगी, समझे तुम? रख ले, गहने भी रख ले और ये घर भी रख ले, लेकिन मैं अपने माँ का ऑपरेशन करा के ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चोरी डकैती, और जरूरत पड़ी ना तो मैं किसी का खून भी कर सकता हूँ। ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल में होने वाला है? सिटी हॉस्पिटल साहब। ड्यूटी पर जाने के बाद उसका कोई कॉल आया था? नहीं साहब, ड्यूटी पे जाने के बाद उसका कोई फोन नहीं आया। नाइकला 3,00,000 की गरज है, और जब तक ये सारे पैसे जमा नहीं हो जाते वो इसी तरह लोगों को लूटता रहेगा और मारता रहेगा, और जब ये सारे पैसे जमा हो जाएंगे वो या तो घर आएगा या सिटी हॉस्पिटल। सावंत, 2 कांस्टेबल सिविल में सिटी हॉस्पिटल, और एक यहाँ इसके घर पे लगवा दो। ठीक है सर। नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? साहब एक मिनट, यहाँ आसपास कोई ढाबा वगैरह मिलेगा क्या? एक काम कर, मेरे पीछे पीछे। थैंक यू सर, नहीं तो भूख के मारे में मर जाता। ये कौन ट्रैफिक हवालदार था? सर, और 3 कांस्टेबल को बाइक पर पेट्रोलिंग के लिए लगा दिया है, कामड़े, राणे या मेमाने, इन 3 में से कोई एक होगा। नहीं नहीं, ये उन 3 में से नहीं था। इसने ना हाथ दिखाया ना अपनी गाड़ी को देख के कोई अटेंशन दिया। गाड़ी मोड़ो जल्दी। आगे बाइक पे ट्रैफिक पुलिस हवालदार और पीछे गाड़ी, इसका मतलब समझ रहे हो? इसको फिर एक नया शिकार मिल गया है। चलो जल्दी चलो, पीछा करो उसका, स्पीड बढ़ाओ। सर, आगे कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। एक मिनट, गाड़ी रोको। पीछे हमने कोई राइट या लेफ्ट टर्न मिस तो नहीं कर दिया? सर, एक लेफ्ट टर्न था पीछे। गाड़ी घुमाओ जल्दी। अरे देखो आराम से लो, यही कहीं वो टर्न है। सर ये रहा। सर वो रही गाड़ी। नाइक, जहां कहीं भी हो बाहर निकल आओ।
सर, गाड़ी के पेपर के मुताबिक जिस पर हमला हुआ है उसका नाम अमित भोजवानी है, थाना का एड्रेस है, और गाड़ी में जो विजिटिंग कार्ड मिले उसके ऊपर जो नंबर था उस पर फोन किया है। उसकी बीवी आ रही है हॉस्पिटल में। इसका बचना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि नायक के खिलाफ इसकी गवाही हमारे लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। सर, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। उर्मिला ने कहा कि राजेश ने उसे पैसे दे दिए थे, फिर वो वापस क्यों आया और उसने राजेश को मारा क्यों? क्योंकि नायक को 500 नहीं 3 लाख चाहिए। उसने जब 500 रुपए की नोट लेते वक्त वो वॉलेट देखा होगा, उसके मन में लालच आ गया होगा और उसकी अहमियत उसे बाद में समझ आई होगी। ऐसा लग रहा है कि नायक को किसी का डर ही नहीं रह गया। अब तो उसे पकड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वो अब कुछ भी करने से नहीं डरेगा। ये अपनी माँ के लिए ही कर रहा है ना सब, तब तो यहाँ ज़रूर आएगा वो। उर्मिला जोशी उसका नाम, वो कौन से रूम में है? मैं उसकी माँ हूँ। उर्मिला मेरे बच्चे, बच्चे को। अगर कोई खबर मिलती है तो तुरंत मुझे फोन करना। सर, इस फाइल में हमारे तीनों चौकियों के सारे कांस्टेबल के फोटो है। ये नाइक की फोटो तुमने बीच में लगाई है ना? जी सर, जैसे आपने बोला था वैसे लगाई। ये देखिए, देखिए इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई जरा इस फोटो को देखिए, इसे देखा है कहीं? पहचानती हो इसे? नहीं, ये नहीं था। इन दोनों में से एक था। सर, ये शिरके और जगदाड़े, ये दोनों हाईवे वाली पुलिस जीप पे पूरी टीम के साथ पेट्रोलिंग पे है। देखिए मैं सुरमिला, आप जिन्हें पहचान रही हैं वो हाईवे पर सारी रात पेट्रोलिंग पे हैं, एक मिनट के लिए भी वहां से नहीं हिले हैं। मैंने कहा ना, बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और ऊपर से उसने हेलमेट भी पहन रखा था, मुझे कुछ याद नहीं। बता सकती हूँ उनके बारे में, जैसे उसके बदन पे कोई निशान हो या फिर उसकी हाइट? शायद उसकी हाइट 5'8" या 5'9". कुछ याद नहीं आ रहा। बस कीजिए बाप, जिस हादसे से वो गुजरी है उसमें आदमी को होश कहाँ रहता है ये सब देखने का। देखिए हम समझते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। उसने सिर्फ राजेश को नहीं मारा है, और 3 लोगों को मारा है। एक बच्चा अनाथ हो गया है, एक आदमी इसी अस्पताल में भर्ती है, पता नहीं बचेगा या नहीं। देखिए प्लीज, हमें समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम उसे जल्द से जल्द नहीं पकड़ पाए तो ये लिस्ट और लंबी होती चली जाएगी। उर्मिला और देवेश पुलिस की अब तक कोई मदद नहीं कर पाए थे। देवेश अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। पुलिस के पास एक ही उम्मीद थी, अमित भोजवानी, और वो उम्मीद भी टूट गई जब अमित भोजवानी ने ऑपरेशन टेबल पर अपनी आखिरी सांस ली। सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या ये पुलिस वाला वाकई में श्रीधर नायक था? क्या वो वाकई इस डिपार्टमेंट का था, या फिर उसके भेस में कोई और ही इन वारदातों को अंजाम दे रहा था? सर, कांस्टेबल नाइक की लाश। खून सूख चुका है, इसका मतलब है कि मर्डर 5-6 घंटे पहले किया गया। सर ये शक, लेकिन नाइक को तो वर्दी पे होना चाहिए था। इसका मतलब है कि नाइक के भेस में कोई और ही ये लूटपाट और मर्डर कर रहा है। उसने पहले नाइक को मारा होगा, फिर तो उसकी वर्दी पहनकर अब वो लोगों को लूट रहा है और मार रहा है। पर यह है कौन?
कांस्टेबल नायक जो अपनी मरती हुई माँ को बचाना चाहता था आज खुद मौत की नींद सो गया था। पुलिस जिस केस को सॉल्व किया हुआ समझ रही थी वो और पेचीदा हो गया था, क्योंकि जो शक नायक पर था अब वो एक अनजान उसी अंधेरे के बीच ना दिखाई देने वाले चेहरे पर चाटे का था। कौन हो सकता था ये जिसने ना सिर्फ लोगों की जान ली थी, पैसा लूटा था, बल्कि उसने उर्मिला के साथ बलात्कार भी किया था। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। जो केस नायक के हाथ लगने से सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा था उसके सारे सिरे अब खो चुके थे। पुलिस के पास एक फोन कॉल आया जिसमें एक फार्म हाउस के मालिक ने पुलिस को यह बताया कि उसने अपने नौकर को खून से सने कपड़े धोते हुए देखा है। पुलिस बिना देर किए वहां पहुंची। सुबह आपने उसे कितने बजे देखा? सुबह जब मैं 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था और उसमें ट्रैफिक हवलदार की वर्दी भी देखी। मैं भी हैरान था ये देखकर कि मिंटू के पास ये पुलिस की वर्दी कहाँ से आई और वो भी खून से भरी हुई। उसी वक्त मुझे शक हुआ और आपको फोन किया। ये मिंटू यादव अभी कहाँ होगा? यही होगा पीछे अपने कमरे में। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। ये बता पूरी रात कहाँ था तू? साहब मैं अपने कमरे में सो रहा था। ढाबे से वापस आने के लिए कितने बजे निकला था? साहब कल मेरी तबीयत खराब थी, ढाबे पे आके मैं सो गया था साहब और मैंने ढाबा 10 बजे छोड़ दिया था साहब। उसके बाद तूने खून किए? नहीं नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। ये वर्दी तेरे पास कहाँ से आई? इसे तूने ही धोके सुखाया है ना? हाँ साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही धोके सुखाई है। सच बता, इस वर्दी में जो खून लगा था वो किसका था जिसे तूने धो दिया है? मालूम नहीं साहब, उसने मुझे बताया नहीं। उसने किसने? शेख ने साहब, उसी ने मुझे वर्दी दी थी धोने को। शेख? कौन है शेख? साहब जिस ढाबे में मैं काम करता हूँ वो भी उसी ढाबे में काम करता है और आज सुबह ही उसने मुझे वर्दी दी थी धोने को। हम ये कैसे मान ले कि ये सच है? ये भी हो सकता है कि तू हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये कहानी बक रहा है। आप जीना से पूछ सकते हैं साहब, वो आपको सारी सच्चाई बता देगी। ये ले, ये सब तेरे लिए। देख अब तू मेरे को नखरे नहीं दिखाएगी ना, कभी ना नहीं बोलेगी ना। शेख इतना जेवर इतना पैसा किधर से लाया तू? अरे डाका डाला मैंने तेरे लिए। क्या? देख अभी सब छोड़ ना, ऐसा मैं रोल ला के दूंगा समझे। चला पासा कलेजे के ताकि थोड़ा ठंडक पड़ जाए मेरी जान। बहुत हो गया, ये माल पूरा नहीं है, मेरे माल पूरा कर। अरे मैं इसको पूरा कर देगा ना, बोलता है मैं। तू पहले आधा काम तो कर। ऐसे नहीं चलेगा, पहले ये माल पूरा दे और फिर ये माल ले। ए देख जरा ऐसा मत बोल, देख ना जरा कितना प्यार करता है। अरे ऐसा मत कर रहे, कितना भाव खा रही है तू? जिना तू ही है? जी साहब मैं ही है। शेख कहाँ है? वो आकर भी गया साहब। कब गया? अभी आपके आने से पहले। कोई फोटो है उसकी? जी साहब मोबाइल में। जल्दी से लेके आओ। साहब सर जाकर ढूंढो इस आदमी को, आसपास ही कहीं होगा। सर उसने कुछ ला कर दिया तुम्हें? जी साहब। साहब वो मेरे को बोला कि मेरे वास्ते डाका डाला, मुझे लगा कि मजाक किया। सिर्फ डाका नहीं डाला, 5 लोगों का खून किया उसने और तुम्हें मजाक लग रहा है? इतने सारे पैसे इतने सारे गहने कहां से आए उसके पास एक रात में? क्या बोल के गया था? यहां से कहां जाने वाला है? अभी उसके ढाबे पे जाने का टाइम हुआ है। सर वो अभी तक आया नहीं और अगर अभी गया तो बॉस के ऑर्डर है कि उसे नौकरी से निकाल दो। हर दूसरे दिन गायब रहता है सर। कल वो कितने बजे आया था ढाबे पर? कल तो वो आया ही नहीं था सर, वीकेंड्स पे बिजनेस होता है, 150 मुर्गियां अंदर पड़ी है, उसने एक भी नहीं काटी। ये शेख जब काम पर नहीं आता है तब किसी को पता होता है कि वो कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा सर, एक नंबर का गंजेड़ी है, गांजा पीने ही जाता है। सर सकपाल ने साइन दे दिए। आ गया।
चल वट ले, और उधर नहीं चलेगा, पहले का तेरा बहुत बाकी है, चल चल निकल चल। ए यार कितना रोता रहता है, कितना बाकी है तेरा? चल इतना ही बोले तो पूरे साल का दे दो। पूरे साल के लिए कर क्या करेगा, क्योंकि जेल में तो तू ये पी नहीं पाएगा। क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? क्या यही है वो आदमी जिसने तुम्हारे मम्मी डैडी को मारा था? क्या यही है वो? यही है वो। इसने मेरे मम्मी डैडी को मारा। दिवेश रुक, बेटा रुक। चल चल अब शुरू से बता, इतने लोगों को क्यों मारा तूने? साहब जो कुछ भी किया वो जीनत के वास्ते किया साहब, बहुत प्यार करता हूँ साहब उसको, मैरिज बनाने का था मेरे को उसके साथ, पर मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरे को फुटने को बोली साहब। चल रे, मैं तुझ जैसे कंगाल से काई को शादी बनाऊ? क्या एक कौन बोला तेरे को मैं कंगाल हूँ? हाँ अरे नौकरी है मेरी, अच्छा खासा कमाता हूँ, हर महीने पगार आती है मेरी। तू हंस रही है शेख, तू जितना महीने भर में कमाता है ना उससे मेरा एक दिन का भी गुजारा नहीं होगा। अच्छा कितना चाहिए तेरे को? तू मुझे 1,00,000 रुपए लाकर दे फिर बात करना, तू मुझे 1,00,000 रुपए लाकर दे फिर बात करना। कहाँ से लाऊंगा मैं 1,00,000 रुपए? जीनत चाहिए ना, तो इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना बहुत लंबी लाइन है मेरे चाहने वालों की, और वैसे भी तू नहीं लाएगा तो कोई और ले आएगा, वो तेरा दोस्त है ना मिंटू, वो भी लाइन में खड़ा है मेरे। मिंटू देख तू सिर्फ मेरी है, समझी तू? तेरे को पैसा मांगता है ना मैं लाएगा, किधर से भी लाएगा मैं लाएगा। एक औरत को पाने के चक्कर में तूने इतने लोगों को मारा, पता नाइक को क्यों मारा और कैसे मारा? अरे क्यों नहीं। अरे मिल जाएगा माल, हाँ लेकिन हाँ इस बार मैं पैसा दुगना लूंगा। हाँ अरे साहब आई की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने बोला कि अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो बच नहीं पाएगी। मैंने बीवी को बोला कि गहने बेच दे, उसने मना कर दिया। मैंने भी कहा कि मैं जमा कर लूंगा, हाईवे पे गाड़ी रुका रुका के 500,000 करके हो जाएगा। क्या है ना कि प्राइवेट गाड़ियां जो भी हाईवे पे जाती हैं उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, हो जाएगा। लाना मुझे जल्दी जाना है ड्यूटी पे, हाँ रात भर जागना मेरा। चलो फिर। अरे वो साहब मेरे को आगे तक छोड़ देंगे क्या? कह देना तेरे को वो सनसेट पॉइंट नागा तक आ जा। क्या हो सर? एक मिनट उतरना, मैं पेशाब करके आता हूं। उसका बातें सुनकर मेरा दिमाग चमका, मेरे को लगा अगर इसका वर्दी मिल जाता है तो मेरे को कभी पैसा का कमी नहीं रहेगा साहब। उसके बाद साहब जो भी प्राइवेट गाड़ी उस पुराना हाईवे पे आया ना मैं सबको मार दिया, और गहना जेवर पैसा सब लूट लिया साहब। अरे तुझे तो पैसा चाहिए था ना, तूने बलात्कार क्यों किया? साहब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था साहब, बस उस दिन जो जीनत ने मेरे साथ किया ना मेरे को बहुत गुस्सा आया साहब, बस सारा गुस्सा उस लड़की पर निकाल दिया। तुझे पता भी नहीं है तूने कितनी जिंदगियां उजाड़ी हैं, सिर्फ यही अदालत नहीं खुदा की अदालत में भी तू गुनहगार पाया जाएगा, तुझ पे कोई रहम नहीं करेगा।
कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत इंसान को भगवान के करीब ले जाती है, लेकिन ये कैसी मोहब्बत थी जिसने इंसान को वैशी दरिंदा बना दिया था? ये मोहब्बत थी या पागलपन? उर्मिला से ना सिर्फ उसके आने वाले शादीशुदा जिंदगी के सपने छीन लिए गए, बल्कि उसे भयंकर यादों के साथ जीने के लिए भी छोड़ दिया गया। 10 साल की उम्र में देवेश को अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ा। ये छाप शायद उसके दिमाग से कभी नहीं मिट पाएगी। चंद घंटों में वो अनाथ हो गया था। नायक की माँ भी इलाज के अभाव में चल बसी। एक शैतान ने अपनी जिद को मोहब्बत का चोला पहनाया और दहशत का खेल खेला। अदालत ने शेख को इन सभी हत्याओं के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत और उर्मिला के साथ बलात्कार करने के लिए धारा 376 के तहत फांसी की सजा सुनाई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।